नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। लोग परेशान हैं, सड़कों पर खड़े अपनों के इलाज के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पतालों में ना तो बेड खाली बचे हैं और न ही सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है। दवाइयों की किल्लत के बीच लॉकडाउन की जंजीरें भी मरीजों के इलाज में बाधा बन रही हैं। पुलिस लोगों को रोक रही है, जिसके चलते कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल में एक आदमी अपनी मां का कोरोना टेस्ट कराने जा रहा था, तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उसे डायल 100 में ठूस दिया और थाने लेकर चले गए। शर्म तो इस बात पर आती है कि पुलिस लड़के को तो पकड़ कर ले गई, लेकिन उसकी बीमार बूढ़ी माँ को बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। जानकारी के मुताबिक मामला कोलार थाना इलाके के अनुपम तिराहे का बताया जा रहा है। पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के चलते यहां बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच अपनी मां की कोरोना जांच कराने जा रहे इस आदमी को पुलिस ने रोक लिया। लड़का अपनी मां के इलाज के लिए गड़गड़ाता रहा, पुलिस के सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। इस बीच लड़के और पुलिस के बीच कहासुनी भी होने लगी। मामला इतना आगे बढ़ा कि मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने आदमी को जबरन डायल हैंडल में बैठाने लगे। इस बीच आदमी की मां लगातार पुलिस जवानों से मनते करती रही, लेकिन आदमी को पुलिस किसी गुंडे की बदमाश की तरह गाड़ी में ठूस कर और उसकी मां को बीच रास्ते में अकेले छोड़कर निकल गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने जनसंपर्क के सहारे सोशल मीडिया पर आनंद फानंद में सफाई देने के अंदाज में पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट में पुलिस द्वारा कहा गया कि जब पता चला कि युवक अपनी मां के टेस्ट के लिए जा रहा था, तो उसे बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस की सफाई से अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे देश ने पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो देख लिया है। आप खुद ही सोचिए, जब पुलिस इस आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में ठूसने में लगी थी, तो क्या इसने पुलिस वालों को यह नहीं बताया होगा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मां का इलाज करवाने जा रहा हूं। लेकिन वही है ना कि पुलिस अपने आप को चालाक और दुनिया को मूर्ख समझती है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।